हेलो दुनिया लोग, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बहुत दिनों का वीडियो नहीं डाली, तो मैंने सोचा चलो आज डाल देती हूँ। अभी मैं कहीं जा रही हूँ फिलहाल किसी काम से, और फिर मुझे आज वैक्सीन भी लगवानी है। सो मैंने सोचा फर्स्ट डोज की मैंने डाली थी, तो सेकंड डोज की भी डालनी चाहिए। सो आज मैं जाऊँगी वैक्सीन लगवाने 12 बजे के करीब। और अभी और पता नहीं है मेरा मास्क क्यों उतर रहा है। खैर, और अभी मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं वैक्सीन लगवाने। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फिर मैं जाऊंगी वैक्सीन लगवाने। सो दुनिया लो, फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपने वैक्सीन लगवाने सेकेंड डोज। पिछली बार की तरह मैंने इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, हम डायरेक्ट जा रहे हैं बस लगवाने। मैं और समरीन अप्पी जा रहे हैं मेरे साथ। सो चल चलते हैं वैक्सीनेशन लगवाने। यहाँ पर लाइन लगी अभी हमने। दुनिया लो, हम यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी तो नहीं बट है लाइन। सो देखते हैं कितनी देर में होती है, फिर उसके बाद हम लगवाएंगे अपने वैक्सीन सेकंड डोज। यहाँ पे आई हूँ मैं अपने वैक्सीन लगवाने आज, और ये लाइन है जो अंदर जा रही है, और हम बाहर ही खड़े हैं अभी तक। समरीन अपने यहीं पे खड़े हैं अभी तक। पता नहीं कितनी देर में ये सब स्टार्ट होगा। 1 hour later। हेलो, अब मेरा नंबर बस आने वाला है, क्योंकि बहुत देर है। समरीन अपने का नंबर है। बहुत देर बाद लाइन में खड़े होने के बाद हमारा नंबर आ रहा है, तो थोड़ा सी दूर और वैक्सीन लग जाएगी। हम लोग अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। और पिछली बार की तरह शदा आंटी भी हमारे साथ है। वो टीम है, बस 2-3 लड़के लोग कम हैं, 3 लड़के कम हैं। इजहार, इंतमाम, आनिस जो पिछली बार आए थे मेरे साथ, वो नहीं है। बाकी हम लोग तो हैं। आज इंशाल्लाह लग जाएगी हमारे लाइन, वहाँ में जाकर लगेगी हमारी। A few moments later. So finally वैक्सीन लग गई है, सेकेंड डोज भी लग गया। मेरे मज़े ही मज़े हैं। पहले हम लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमारे दोनों डोज लग चुके हैं, और अब हमें कहीं भी जाने के लिए कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, है ना? Yes. दुनिया लोग, फाइनली मेरे दोनों डोज लग चुके हैं वैक्सीन के, और मैं घर भी आ चुकी हूँ अभी। और मुझसे ना बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें किटो के बच्चे देखने, किटो के किटन्स देखने हैं। सो मैंने सोचा चलो वो भी इसमें ही ऐड कर देती हूँ। मैंने सोचा था अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट इट्स ओके, अब मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। बहुत ही क्यूट लगते हैं वो। तो स्टार्टिंग में मैं पहले थोड़ी सी पुरानी वीडियोज़ दिखाऊँगी उसकी, जब वो अलमारी के अंदर थे। मतलब जगह चेंज करती रहती है ना किटो अपनी प्लेस, अब तो नहीं कर रही है, अब तो मतलब एक जगह पर फिक्स हैं वो लोग। बट स्टार्टिंग में कर रही थी। 17 डेज़ के बाद वाला सीन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊँगी। कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने बनाई थी बट डाली नहीं, तो वो मैं अपलोड करूँगी। सो आप लोग वो भी देखिए, इंजॉय करिए। सो ये जब की वीडियो है, जब इसने अपने किटन्स को अलमारी के अंदर रख दिया था, जो वो छोटी सी अलमारी दिख रही है आपको पीछे, उसमें रख दिया था। और ये उसमें से निकलते तो ये उनको मारती थी, देख सकते हैं आप लोग। वो बेचारा अंदर वापस जाने की कोशिश कर रहा है, बट किटो उसको अंदर जाने नहीं दे रही है। अब उसकी पिटाई हो गई रहेगी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। बट ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही मज़ा आता था, इन लोगों को बहुत ही क्यूट लगते हैं ये लोग। अब आप इस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट किटो बिल्कुल भी इनको बाहर नहीं आने देती थी, बहुत मारती थी इन्हें। देखिए देखिए कैसे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा देती थी बेचारे बच्चों के, बट उन्हें बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं देती थी अलमारी के। आई डोंट नो व्हाई, बट ये ऐसा ही करती थी। और ये जबकि वीडियो, जब हमने इसके किटन्स को अलमारी से बाहर निकाल दिया था और एक बॉक्स में रख दिया था, ये वाले बॉक्स में जो आप लोगों को दिख रहा है अभी, ये वाले बॉक्स में रख दिया था इसको। तो ये परेशान सी हो गई थी थोड़ी, कि अब मैं कहाँ रखूँ क्या रखूँ, क्योंकि इसको पसंद नहीं आता था जो जगह हम चेंज करते थे इसकी, तो ये खुद ही चेंज करती थी। सो इसीलिए ये इधर उधर लेके घूम रही है कि इन लोगों को कहाँ रखूँ। सो फिर एट द एंड इसको कोई जगह नहीं दिखती है, ये बस ऐसी परेशान होती रहती है थोड़ी सी, और इसको समझ नहीं आता है क्या करूँ। देखिए, देख सकते हैं आप लोग कैसे उस बेचारे बच्चे को मुँह में दवाई भी है। फिर एट द एंड इसको क्या करना पड़ता है, उसी डिब्बे में रखना पड़ता है ये। और ये वाला बच्चा बहुत चिल्ला रहा था
इसने, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, उसको बाहर निकाल दिया इसने, तो इसीलिए फिर अब ये इसमें ही एट द एंड इसको इस डिब्बे में ही अपने बच्चों को सेटल आउट करना पड़ता है। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि हमने अलमारी बंद कर दी थी। और यहाँ से ये लोग अब बाहर निकल के खूब खेलते भी कूदते हैं। अब सो मैं दिखा देती हूँ, ये किट्टू बैठी है यहाँ पे और ये रहे इसके बच्चे। ये हमने इनके लिए लिटर बॉक्स भी बना दिया, तो माशाल्लाह सभी अपने लिटर में ही करते हैं जो भी शुशु पोछी होता है। और मैंने इनके नाम भी चेंज कर दिए हैं। सो ये है प्यारी सी बबल, आओ बेला, ये है बेला, प्यारी सी बेला। और ये मैं गोकू जो कुछ कर रहा है अभी, जाओ बेला इधर बबल्स। ये मेरी प्यारी सी बबल। गोकू को भी दिखाती हूँ, गोकू इज़ माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट लड़का है। और ये है मेरी प्यारी सी बबल, अभी डर रहे हैं वरना दिखा देखी तो होगी आपने वीडियो इनकी कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, खूब लड़ते हैं खूब। वो मेरी प्यारी सी किट्टू, प्यारा गोकू, गोकू रुको, गोकू गोकू, ये मेरा फेवरेट है, गोकू इज माय फेवरेट, प्यारी सी बबल है बबल। प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चे हैं। सो दुनिया वालों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सो दुनिया वालों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और ये प्यारे से क्यूटी से बच्चे वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्यारे प्यारे से क्यूटीज बच्चे आप लोगों को कैसे लगे कमेंट। ओ दुनिया वालों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।